हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स XY 2020 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे इंडियन एयरफोर्स XY 2020 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, इसकी जो परीक्षा होगी ये नवम्बर के फर्स्ट वीक में होगी। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर एक होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस अब हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, परंतु इसकी जो चौड़ाई होती है ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, किस वजह से? ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? ऑप्शन बी, बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्या कारण है इसका? इसका कारण है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो यह क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन सी, बाष्पन शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो कमरे को ठंडा किस प्रकार से किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, ऑप्शन डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। अगला क्वेश्चन, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है? ऑप्शन सी, रजत परत। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा शरीर तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि
हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है अधिक दाब पर पानी अधिक ताप क्रम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? ऊपर के छिंद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। अगला क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है? पहले घटता है और तब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का जो स्तर होता है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाशन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि, बादल, ऑप्शन बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि, ऑप्शन ए, बादल पृथ्वी तक हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथिन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से, क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटियों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन बी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है? ऑप्शन सी, आयनोस्फीयर द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, आयन मंडल। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, ये प्रसार होता है 390-750 nm के बीच। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखिए, दो उत्तरोत्तर मृग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्ग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसकी बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है ऑप्शन बी, एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन, एक राडार जो शत्रु के वायुवान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है? ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब समताप मंडल ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दर कितनी होती है? ऑप्शन बी, 10^-7 am। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ये किया जाता है अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, एक्स किरण। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है
वाई किरण, सॉरी एक्स किरण, किरणें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। अगला क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम रहेगी, ऑप्शन डी लोहा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे, गैस ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला क्वेश्चन, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, ऑप्शन डी ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए बराबर सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, ऑप्शन बी 16.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना होता है, ये होता है 10 mph। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्या कारण है, कारण होगा ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। अगला क्वेश्चन, पराशव्य ध्वनियां जिनकी आवृत्ति होती है, तो जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 Hz से अधिक, एक जैव पद्धति जिसमें पराशव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वे हैं सोनोग्राफी, ऑप्शन ए। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ऑप्शन डी वे प्राथमिक तुरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्राध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, प्राध्वनि जेट की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये थे इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई एग्जाम 2020 के लिए प्रीवियस ईयर के साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।